वाह सुमन गिल, क्या इस बंदे ने पारी खेली, लाजवाब खेली, शानदार खेली, दिल जीतने वाली खेली, योग्य के लायक के लिए, यानी कि आपके मन में जो भी महान वर्ड है आप इसके लिए यूज कर सकते हैं जो सुमन गिल ने पारी खेली है। और इस मैच में तो केवल छक्के चौके की बारिश ही हुई। आईपीएल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि सेमीफाइनल के मैच में इतना रन बने और छक्के चौके की बारिश मिले। आईपीएल 2023 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला मुंबई और गुजरात के बीच में खेला गया, जिसके लिए सारे क्रिकेट फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आखिर वो दिन कब आएगा जिसके लिए मुफ्त उठा सके, मजा ले सके सेमीफाइनल मैच का। और ठीक वैसे ही हुआ। इस मैच में मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा ने ताज जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, और गेंदबाजी का फैसला लेना उचित था क्योंकि मैच से पहले बारिश हो चुका था, इसलिए रोहित शर्मा ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और गुजरात टाइटंस को बैटिंग के लिए निमंत्रण दिया। और ठीक हर मैच की तरह ओपनिंग करने आए सुमन गिल और उनके साथ रिद्धिमान शाह। रिद्धिमान शाह तो हालांकि नाकाम रहे, बहुत ही जल्दी आउट होकर चले गए और मौजूदा 18 रन के स्कोर पे अपना विकेट गवा दिया। लेकिन दूसरी तरफ सुमन गिल अपने बल्लेबाजी से आक्रमण दिखा रहे थे, हालांकि उनका 30 रन पे कैच छूट गया, लेकिन उसके बाद तो सुमन गिल रुकने के नाम ही नहीं लिए। पहले तो सुमन गिल मुंबई के गेंदबाजों की सहला रहे थे और अपना 50 जब बनाए तो उनका स्ट्राइक रेट करीब 146 का था, लेकिन जैसे ही वो अपना हाफ सेंचुरी पूरा किया उसके बाद मुंबई के गेंदबाजों का क्लास लेना स्टार्ट किया और छक्के ऐसे मारना स्टार्ट किया सारे स्टैंड में भेज रहे थे। और नतीजा यह हुआ कि सुमन गिल ने अपने इनिंग में 10 छक्के ठोक डाले और इस आईपीएल में अपना तीसरा सेंचुरी बना दिए। तो वही दूसरी तरफ साई सुदर्शन 43 रन के स्कोर पे रिटायर्ड हट हुए, लेकिन सुमन गिल तो रुकने के नाम ही नहीं ले रहे थे और इतना छक्के चौकों की बरसात की कि मुंबई के गेंदबाजों का हालत खराब हो गया और सुमन गिल 60 गेंदों में 129 रन बनाकर आउट हुए। तो पारी का अंजाम दिए इस मैच में कप्तान हार्दिक पांड्या ने। कप्तान हार्दिक पांड्या ने 13 गेंदों का सामना किया और 28 रन बना दिया, जिसके बदौलत गुजरात की टीम ने 20 ओवरों में 237 रन भारी भरकम रन बना दिया और मुंबई के सामने एक बहुत ही बड़ा लक्ष्य दिया। और मुंबई के लिए पहली समस्या यह थी कि उनके ओपनर बल्लेबाज ईशान किशन मैच के दौरान चोटिल हो गए, तो उनके जगह पे ओपनिंग करने आए रोहित शर्मा के साथ निहाल वडेरा और दोनों ओपनर बल्लेबाज नाकाम हुए। रोहित शर्मा ने 8 रन तो वही निहाल वडेरा ने 4 रन बनाकर अपने पारी को अंजाम दे दिया। लेकिन उसके बाद दिखा तिलक वर्मा। तो तिलक वर्मा जिस तरह से बैटिंग कर रहे थे ऐसा लगा कि तिलक वर्मा इस मैच को 18-19 ओवर में खत्म कर देंगे, क्योंकि वो बस छक्के चौके बारिश कर रहे थे। लेकिन वो विकेट पे ज्यादा देर तक नहीं टिके और 14 गेंदों में 43 रन बनाकर आउट हुए और इस तरीके से मुंबई की पावर प्ले में ही 3 विकेट गवा दी, लेकिन उन्होंने रन बना दिए थे। लेकिन उसके बाद सूर्य कुमार यादव और केमर ग्रीन के बीच बहुत ही अच्छा खासा साझेदारी देखने को मिला, लेकिन सूर्य कुमार यादव के साथ केमर ग्रीन साथ निभाने में नाकाम रहे, उन्होंने 20 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद सारा बार मुंबई इंडियंस का सूर्य कुमार यादव पे आ गया, लेकिन सूर्य भी उस लोड को नहीं संभाल पाए और सूर्य ने भी 61 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद तो मुंबई की सारी बैटिंग लाइन भी खत्म हो गया और मुंबई की टीम महज 171 रन पे ऑल आउट हो गई और गुजरात टाइटंस की टीम ने इस मैच को 68 रन से जीत लिया और फाइनल में पहुंच गई, जहां वो भिड़ेंगे चेन्नई के साथ। आप लोग क्या लगता है कि इस आईपीएल का ट्रॉफी कौन उठाएगा, चेन्नई या गुजरात? कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक लिए चलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।